आज मैं बनाने जा रही हूँ बालूशाही, जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है। और इसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और आप इसको बनाकर बहुत दिन रख भी सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी 1.5 कप मैदा। और उसके साथ मैं मिला रही हूँ आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, और थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ, मतलब 1 चुटकी नमक। और इसको हम छान लेंगे। कोई भी मीठा चीज़ में अगर आप नमक डालेंगे ना, तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। और इसके साथ मैं मिलाऊंगी 6 बड़ी चम्मच घी। और इसको अच्छे से मिला लीजिए। और इसमें हम डालेंगे खट्टा दही, और दही थोड़ा सा ठंडा है। इसको भी अच्छे से हम मिला लेंगे। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दही और घी से ये बाइंडिंग हो जाता है। और इस डो को हम बहुत ज़्यादा नीड नहीं करेंगे, मतलब रोटी चपाती की तरह, जस्ट एक इकट्ठा करेंगे। ये हमारा डो तैयार हो गया है। अभी हम इसको 20 से 25 मिनट ढक के रख देंगे। अभी बालूशाही के लिए चाशनी तैयार करते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कढ़ाई में 1.5 कप चीनी, और इसमें मैं डालूंगी 1.5 कप का आधा, मतलब 3/4 कप पानी। और अभी हम इसको गैस पे चढ़ाएंगे, और जब तक चीनी डिजॉल्व नहीं हो जाती तब तक इसको चलाते रहेंगे। जब चीनी डिजॉल्व हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 2 छोटी इलायची, और थोड़ा सा मैं सेफ्रन डाल रही हूँ। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, मतलब 5-6 ड्रॉप्स। और इससे क्या होगा, आपका शुगर सिरप थोड़ा सा क्लियर भी हो जाएगा, और जो चीनी ठंडा होने के बाद जो क्रिस्टलाइज हो जाती है वो नहीं होगा। और ये जो चाशनी हम बनाएंगे, बहुत पतला नहीं बनाएंगे और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाएंगे, ना थोड़ा सा चिपचिपा सा हनी जैसा बनाएंगे। और चीनी घुलने के बाद आपको 6 से 7 मिनट में ये चाशनी तैयार हो जाता है। ये हमारा चाशनी बन गया है। अभी हम गैस को बंद करके इसको रख देते हैं। अभी 25 मिनट हो गया है। अभी क्या करेंगे कि इस डो को हम ऐसे हाथ से तोड़ेंगे, फिर एक के ऊपर एक ऐसे रखेंगे, और इस स्टेप को हम 4 से 5 बार जरूर करेंगे। अभी हम दूसरा स्टेप करते हैं। तो अभी क्या करेंगे, डो को ऐसे फ्लैट कर लेंगे पहले, फिर बीच में से ऐसे काटेंगे, फिर एक के ऊपर एक रख के फिर से हम ऐसे फ्लैट कर लेंगे, फिर बीच में से काटेंगे। इस स्टेप को भी आप 4 से 5 बार जरूर कीजिएगा। ये दोनों स्टेप आप जरूर फॉलो कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका बालूशाही के अंदर बहुत अच्छा लेयरिंग आ जाएगा, और आपका बालूशाही जो है बहुत फ्लेकी बनेगा। अभी हम इसको 2 हिस्से में काट लेंगे, फिर एक एक हिस्सा हम लेके ऐसे रोल करते हुए थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। अभी हम इस डो को छोटे छोटे गोले करके काट लेंगे नींबू जितना। फिर एक गोला हथेली में लेंगे, और इसको थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करते हुए इसको घुमाते हुए बनाएंगे।
और बीच में से एक होल कर लेंगे। होल करने से क्या होगा, पूरा अंदर तक चाशनी जाएगी। ऐसे करके हम सारे बालूशाही तैयार कर लेंगे। अभी बालूशाही को फ्राई करेंगे, तो इसलिए मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया और तेल को हल्का सा गरम कर लेंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं, एकदम से कच्चा तेल में बालूशाही को मत डालिएगा। अभी एक एक करके बालूशाही को डाल देंगे और बालूशाही को एकदम लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। सारे बालूशाही मैंने डाल दिया। अगर आप एक ही बैच में करेंगे तो ठीक है, अगर आप दो बैचेस में करेंगे तो सेकेंड टाइम जब आप डालेंगे ना, तो उससे पहले गैस को बंद कर दीजिएगा, क्योंकि उस टाइम तेल काफ़ी गर्म रहता है। पाँच सात मिनट बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे बालूशाही जो है ऊपर आने लगेगा, लेकिन इस टाइम हम बालूशाही को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइम काफ़ी सॉफ्ट होता है। 10-12 मिनट बाद जब सारे बालूशाही ऊपर आ जाएंगे, तो फ्लेम को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। फिर थोड़ी देर बाद एक एक करके सारे बालूशाही को हम पलट देंगे। और हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक चारों तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। 2-3 बार उलट पलट करके हम इसे इवनली फ्राई कर लेंगे। ये हमारा बालूशाही फ्राई हो गया है। अभी हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं और आपको ये होने में 30 से 35 मिनट्स लग जाएगा। अभी हम एक एक करके बालूशाही को चाशनी में डालेंगे और जब आप चाशनी में डालेंगे तो चाशनी हल्का सा गर्म होना चाहिए। अभी हम सारे बालूशाही को 8 से 10 मिनट तक डीप करके रखेंगे और बीच में एक दो बार पलट देंगे। आठ दस मिनट बाद हम सारे बालूशाही को चाशनी से निकाल के एक प्लेट में रखेंगे। अभी इस प्लेट को भी हम 8 से 10 मिनट तक ऐसे रखेंगे ताकि बालूशाही अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट हो गया। अभी हम एक बालूशाही को तोड़ के दिखाते हैं। बहुत ही फ्लेकी बना है, अंदर पूरा सॉफ्ट है। अभी थोड़ा सा पिस्ता से गार्निशिंग कर देते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।